तो वो हमारा पार्ट वन था उस वीडियो का, ठीक है, सेट एक से पाँच का। अभी हम पार्ट टू पे आए हुए हैं। इस पार्ट टू में हम देखते हैं हमारा अगला वर्ड क्या था, टर्स। क्या है टर्स? टर्स का मतलब होता है यूजिंग लेस वर्ड इन टॉकिंग। कभी कभी कुछ लोग बात करते वक्त कम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, टर्स कर रहे हैं। पिथी, पिथी का मतलब होता है शॉर्ट बट एक्सप्रेस्ड वेल इन मीनिंगफुल। मतलब कोई भी आप निष्कर्ष लिखते हो या बोलते हो तो वो निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल वो होना चाहिए शॉर्ट में, छोटा होना चाहिए, एक्सप्रेस वेल एंड मीनिंगफुल, उसका पूरा मतलब निकलना चाहिए, तो वो पिथी कहलाएगा। एग्जॉटिक, EXOTIC, फॉरेनर ऑब्जेक्ट, मतलब विदेशी सामान को हम लोग एग्जॉटिक एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड पढ़ाते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हिन। हिन बना हिंदी से, ऐसा नहीं सोचिएगा। हिन का मतलब होता है फीमेल डियर। कैसा डियर? फीमेल डियर। हार्ट का मतलब होता है मेल डियर। ओके, नेक्स्ट आते हैं चायोर। मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन चेयर। कहीं भी जाते हैं बहुत सारा सिंगर ग्रुप मिलता है, जैसे लता मंगेशकर, सुनिधि चौहान और श्रिया भट्ट, जो भी है नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे एक जगह मिल गए और गा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, चेयर कहेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर देखते हैं बैरियर। ये पूछा था CGL में पूछा गया था और LDC में भी पूछा गया था। बैरियर एक कॉमन इरर पर पूछा गया था, जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड होते हैं ना, सॉरी, उसमें पूछा गया था। बैरियर, बैरियर का मतलब होता है फेंस, जैसे देखते हैं ना घर के आगे इस तरह से करके एक घेराबंदी किया रहता है, उसको फेंस कहते हैं। फेंस का मतलब घेराबंदी, उसको हम लोग बैरियर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, बैरल। बैरल का मतलब क्या होता है, एक कंटेनर जिसमें हम पानी कंटेन करके रखते हैं, ठीक है, जिसमें हम पानी कंटेन करके रखते हैं, तो वो कंटेनर कुछ भी हो सकता है, तो वो आपका बैरल होता है। ओके, बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल, मतलब ऐसी ज़मीन जो कि जिसपे खेती नहीं कर सकते हैं, तो वो इनफर्टाइल होती है। क्या होती है, इनफर्टाइल होती है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ाते हैं, हमारा नेक्स्ट वर्ड है इन न्यू एंडो, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, इन न्यू एंडो, इसका पढ़ेंगे इन न्यू एंडो। इन इतना दूर के ले लीजिए, न्यू एंडो, टू टॉक निगेटिव अबाउट समबडी, किसी के बारे में बुराई करना, मतलब उसे क्रिटिसाइज करना बोल सकते हैं, कुछ भी गलत चीज़ बोलना या लिखना, वो इन न्यू एंडो कहलाता है, यानी कि गलत बोलना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट इन समथिंग, जैसे बोलते हो ना, मेरा इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो माई, तब आप बोलते हो कि मेरा इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो बोलते हो देयर इज नो इम्प्लीकेशन, ठीक है, मेरा इस केस में कुछ नहीं है, ठीक है। पॉसिबल रिजल्ट ऑफ समथिंग भी होता है, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पॉसिबल रिजल्ट होना, इम्प्लीकेशन ऑफ समथिंग, प्रभाव भी बोलते हैं इम्प्लीकेशन के सेंस में। ओके, नेक्स्ट वर्ड आते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इम्पेकेबल। क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है फॉल्टलेस, इनफॉलिबल था ना ऊपर में एक वर्ड वही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का मतलब होता है स्पॉटलेस और क्लीन, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है, इमैक्युलेट है। माइंड और कपड़ा दोनों ही इमैक्युलेट होना चाहिए, कपड़े साफ होने से लोग बगल में बैठते हैं और माइंड क्लियर है आपका, आप निस्वार्थ कोई काम करते हो तो लोग आपसे जुड़ेंगे, वो भी दिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसील। कंसील का मतलब क्या होता है, हाइड करना। बहुत सारे लोग अपनी सफलता का राज को छुपाते हैं कि उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त किया है, कंसील करते हैं वो लोग, बहुत बुरे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। ये क्वेश्चन आया था CHSL के सेट 4 में, ठीक है, और उम्मीद लगाता हूँ कि ये आपको आगे भी सेट में आ सकता है, और CGL में भी ये वर्ड रिपीट हुआ है, देख लीजिएगा, नहीं तो आप सर्च करके इस वर्ड का। इन डेफिट जेबल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो ठगता नहीं है। ओके, इनऑर्डिनेट एक्सेसिव मोर देन एक्सपेक्टेशन, मतलब कि जितनी की आप उम्मीद लगाते हैं उससे ज़्यादा आपको मिलता है, तो वो क्या होता है, एक्सऑर्डिनेट होता है। ओके, रीजनेबल का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, ठीक है, कोई भी वस्तु है ईजी है, एग्जॉर्बिटेंट आपके लिए बहुत अच्छा है, जैसे बोलते हैं ना कि अभी जो पैसा आपको मिलता है सैलरी वो मिल रहा है 20,000 रुपया, अचानक 80,000 हो जाए तो मच टू हाई रहेगा आपके उस सैलरी की तुलना में ना, तो आप क्या बोलोगे, वो मेरे को अभी एग्जॉर्बिटेंट सैलरी मिल रही है। क्या मिल रही है, एग्जॉर्बिटेंट सैलरी, यानी कि बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ऐसी चीज़ जो कॉम्प्रिहेंस नहीं कर सकते, यानी इसे समझ नहीं सकते हैं। इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसे समझा ना जा सके, इसका मतलब हुआ। 78 है अगला वर्ड क्या है हमारे पास,
सैटिएट, सैटिएट का मतलब होता है टू गिव समबडी समथिंग मोर देन दे एक्सपेक्ट। आप कहीं पर गए चॉकलेट मांगे, एक चॉकलेट दीजिए अंकल, अंकल ने आपको पूरा डब्बा दे दिया, तो आपने क्या हुआ कि वहाँ पर आपको सैटिएट कर दिया गया। नेक्स्ट वर्ड बाइट योर टंग, ये इडियम से एग्जाम में हुआ है। स्पॉट योर सेल्फ सेइंग समथिंग, स्पॉट नहीं होगा, स्टॉप होगा, बाई मिस्टेक टाइप हो गया, देख लीजिएगा यहाँ पे स्टॉप होगा, STOP, स्टॉप कर लीजिएगा। स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, बाइट योर टंग, जैसे आप कहीं पर जा रहे थे, आप कुछ बोलने वाले थे जिससे कि दंगा भड़क सकता है, तो आपने क्या किया, उस बात को बोला ही नहीं, तो आपने क्या कर लिया, बाइट योर टंग कर लिया, ठीक है। विगवैम, विगवैम बहुत अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है, SSC में दिखा नहीं है अभी तक। तो टेम्प्रोरी टेंट जो आप देखते हैं डोम शेप का बनता है, टेंट बनता है डोम शेप का, टेम्प्रोरी टेंट बनता है डोम शेप का, तो वही होता है आपका इस तरह का शेप होता है, देखिए टेंट से बनाते हैं और इसमें गेट वगैरह होता है, नहीं सर्कस वगैरह देखे हो ना, तो वही होता है विग बैम टाइप का। ओके नेक्स्ट है चैलेट, चैलेट का मतलब होता है एक लकड़ी का जो उडेन उडेन हाउस होता है, विथ रूफ, लकड़ी का जो घर होता है उसको चैलेट कहते हैं, क्या कहते हैं, चैलेट कहते हैं। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है जियोपार्डाइज, तो एक कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे जा रहे थे दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में था चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में था सांप, ठीक है, तो वहाँ पर मतलब दिल्ली में चिड़ियाघर में सांप था, तो सांप था, सांप देखने के लिए था, तो एक फ्रेंड ने फ्रेंड को क्या किया, गले में वो सांप को, मतलब ऐसे सोचा कि उसका ब्रिज का दांत टूटा हुआ नहीं है, उसने उसके गले में वो सांप डाल दिया, और सांप डालने के बाद क्या हुआ, वो रोने लगा, छपराने लगा, डर गया, पूरा हार्ट अटैक उस टाइप का उसको फील होने लगा। मतलब कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति ने जो हरकत किया है उस सांप को, देखिए वो सांप यहाँ भी आ रहा है, ये रहा वो सांप, काटेगा नहीं, टेंशन ना ले, सांप नहीं लग रहा, ये तो पत्थर बन गया, डरने दीजिए, तो वो सांप जो है ना यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको खतरे में डाल रहा है, यानी दोस्त ने क्या किया, जो एक्शन किया उसे वो व्यक्ति खतरे में चला गया, ठीक है। तो वो जियोपार्डाइज, जियोपार्डाइज का मतलब होता है किसी को खतरे में डालना, और इम्पेरियल का मतलब भी वही होता है, किसी को खतरे में डालना, यहाँ पर मिस्टेक है, मैं जरूर से डाल दूंगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। कॉग्निजेंस ऑफ, नॉलेज ऑफ समथिंग, किसी की जानकारी होना। एडहियर का मतलब होता है स्टिक फर्मली टू समथिंग, किसी से चिपक जाना, जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो, ठीक है, आप जा रहे हो फ्रेंड के साथ, ठीक है, रास्ते में मिल गया कोई और, समझ ही गए हो किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई और मिल गया तो आप उनके साथ चले गए, तो वहाँ से इस दोस्त को छोड़ कर उनके साथ चले गए, तो ये क्या कहेगा, यू एडहियर टू हर टीम और एनीबॉडी, ठीक है, तो आप क्या किए उसके साथ चिपक के निकल लिए। ओके डिटैच का मतलब क्या होता है, डिटैच का मतलब होता है अटैच, ओके बोर फील हो रहा था इसलिए मैंने बोला, डिटैच का मतलब क्या होता है अटैच, तो देखो डिटैच का मतलब होता है कोई चीज़ को अलग करना, और अटैच का मतलब होता है कोई चीज़ को उससे जोड़ना, यानी दो वस्तु को अगर अलग अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं तो डिटैच हो गया, और एक साथ कर रहे हैं तो जोड़ रहे हैं तो अटैच हो गया। ओके कंप्लाई विथ समथिंग, ओबे अ रूल, कंप्लाई का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, रूल को फॉलो करना। कंबसिबल, कंबसिबल का मतलब होता है कोई भी वस्तु जो जलने लायक हो, उसको हम इन फ्लेमेबल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फ्लेमेबल, उसी का उल्टा यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इनफ्लेमेबल, जो जलाया ना जा सके। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड 52 नंबर वर्ड है आज का, फ्रेजाइल, क्या है, फ्रेजाइल, ऐसी वस्तु जो आसानी से टूट सकती है, फ्रेजाइल। इमोल्यूमेंट, पेड मनी, पेड फॉर वर्क, आप जो काम करते हो उसके लिए जो पैसा मिलता है वो इमोल्यूमेंट होता है। इम्पोरियम, इम्पोरियम का मतलब होता है बहुत बड़ा दुकान, बिग बाजार टाइप का होता है ना, उसको इम्पोरियम कह सकते हैं हम लोग। ये सारे वर्ड सुनाए हैं, उसको अच्छा से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, एमिशन का मतलब क्या होता है, एमिशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ समथिंग, कोई चीज़ रिलीज करना। एज क्लियर एज मड, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, मतलब कहने का मतलब कि सब कुछ पढ़ा दी सर, इतना मैथ पढ़ा दी कि समझ में नहीं, दिमाग का दही हो गया, उसके बाद बोलते हैं क्लियर हो गया ना, तो हम लोग बोलते हैं सर हाँ क्लियर हो गया, एज क्लियर एज मड, यानी कि कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। इम्प्रैगनेबल, इम्प्रैगनेबल का मतलब डेट कैन नॉट बी टेकन बाई फोर्स, ऐसी चीज़ जो आप फोर्स से नहीं ले सकते, जैसे किसी का वॉलेट का नंबर आप गलत से नहीं ले सकते हो, ठीक है। क्रिपल का मतलब क्या होता है, क्रिपल मतलब होता है रेंगना, मगर मच वगैरह देखिए ना, वो रेंगता है, वो चलता नहीं है,
तो रेंगता है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रिपल करता है, क्या करता है, क्रिपल करता है, मूव करता है बिल्कुल स्लो 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 स्लो। कोरोबरेट, कोरोबरेट का मतलब क्या होता है, कन्फर्म करना। ओके, कॉन्ट्राडिक्ट एक वर्ड है, यहाँ टाइप नहीं हुआ, मैं बताता हूँ, कटाक्ष करते हैं किसी की बातों का, काट देना किसी की बातों को, इग्नोर कर देना बीच में, कॉन्ट्राडिक्ट होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मोरोज, मोरोज का मतलब होता है ग्लूमी, क्या होता है, ग्लूमी। सलिन, सलिन का मतलब होता है बैड टेम्पर, ऐसी चीज़ जो बैड टेम्पर हो, सलिन होता है। स्पिल द बीन्स, रिवील द सीक्रेट, क्या होता है, रिवील द सीक्रेट। ओके, इम्बेड, फिक्स समथिंग फर्मली, यानी कोई चीज़ को पेड़ से जोड़ देना हैवी क्लिप लगा करके। बूटी का मतलब क्या होता है, लूट का माल, लूट लिखा हुआ है। लूट का मतलब होता है प्रॉन्डर ओवर, यानी किसी चीज़ पर सोचना, विचार विमर्श करना, ब्रूट कहलाता है। मैसमराइज मतलब होता है फैसिनेट करना किसी को। आप दुकान में गए, वहाँ एक महिला खड़ी हुई थी, महिला ने कहा कि आपने क्या सामान खरीदना है, तो आपने बोला कि मेरे को वो दस सामान बता दिया। फिर उसने कहा कि आप ये भी ले जाइए, इतना प्यार से बोला कि आपने ले लिया, यानी उसने महिला ने आपको क्या कर लिया, फैसिनेट कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया उस सामान खरीदने के लिए, और जिस तरह से भी बस सामान बेच दिया, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। रिपेल, रिपेल का मतलब होता है टू फाइट सक्सेसफुली। रिपेल का मतलब क्या होता है, बदल लेना। अफ्लुएंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास, धन वगैरह है तो अफ्लुएंट है आप, बस पैरस है, क्या है, धनी होना कहने का मतलब हुआ उसका। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब होता है बदनाम करना। अपलाउड का मतलब होता है प्रशंसा करना। एंटो यहाँ पर था। विलीफाई, VILY, हु राइट्स स्पीक्स अबाउट, ऐसा व्यक्ति जो गंदा गलत बकवास टाइप का लिखता है उसको क्या कहते हैं या बोलता है किसी के बारे में, विलीफाई। फोर्टिफाई, फोर्टिफाई का मतलब होता है इंक्रीज क्वान्टिटी ऑफ समथिंग। जैसे आप दूध लेने गए तो बोलते हो ना, थोड़ा सा और दीजिए, थोड़ा सा इधर दे दीजिए, थोड़ा सा उधर से कीजिए, एक किलो दूध में 10 बार उसे और मांग लेते हो, तो वो क्या कहलाता है, फोर्टिफाई, यानी बढ़ा देना। क्रक्स ऑफ द मैटर, किसी पॉइंट का क्रिटिकल पॉइंट जो होता है ना, मेन पॉइंट, उसको कहते हैं क्रक्स ऑफ द मैटर। तो हमको इस पढ़ने का, आज जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब है, उसका क्या मकसद है, एग्जाम में वर्ड्स को क्लिक करना, वही क्रक्स ऑफ द मैटर। ओके, फर्स्टी का मतलब होता है एक्सट्रीमली कोल्ड। आप पेप्सी मंगाने गए, पेप्सी बोला ठंडा नहीं है, तो ठंडा करने के लिए आप उसको क्या कर दिया, एक्सट्रीमली कोल्ड कर लिया, यानी कि आपने क्या कहा, आपको आपको चाहिए फोर्सी टाइप का पेप्सी चाहिए। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, हमने हिंदी टाइप कर दिया, आशावादी क्या है, ऑप्टिमिस्ट का आशा व्यक्ति, जो व्यक्ति जो आशाओं पर चलता है, आशाओं में जीता, उसे हम क्या कहते हैं, आशावादी कहते हैं। ठीक है, तो ये थे आज कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमने कवर किए हैं। ठीक है, आगे भी ऐसा ही आपको एक सेट मिलते रहेगा, हर 2 दिन पर एक सेट मैं प्रोवाइड कर दूंगा बना करके, क्योंकि अभी एग्जाम एमटीएस में हेल्प कर सकता है वर्ड्स पावर में। ठीक है, तब तक अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, और साथ में मैं डैश देता हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ, साथ में एक घंटी होगी उससे भी बजा लें। ठीक है, मंदिर की घंटी बजाइए और सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।